हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है भारत में कृषि का विकास विभिन्न कालों में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्रीकल्चर से जुड़ी जो भी नई जानकारी है या जितनी वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए वैदिक काल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो काल है ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी पूर्व। आर्यों के भारत आगमन पर पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, सिंध का कुछ भाग जैसे कि राजस्थान में बसने के लिए आदिवासियों से उनकी मुठभेड़ भी हुई। किसकी जी? आर्यों की, ठीक है, जिसे दस्तु हत्या कहा गया। क्या कहा गया? दस्तु हत्या। तो याद रखिएगा इसको, ये मेन पॉइंट है इसका। आर्यों के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ ऋग्वेद से आर्यों के खान पान का पता चलता है, जिसमें वे घी, दूध, साग सब्जी के प्रयोग का जिक्र है। ठीक है, भेड़ बकरों का मांस का भी रिवाज था, लेकिन गौ रक्षा का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण वहाँ पे रिवाज था कि उनको कुछ नहीं करना है ऐसे करके। ठीक है, ऋग्वेद में कृषि के 21 संदर्भ हैं, कितने? 21। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और मानसून का आना शुभ संकेत था और तभी से हल चलाना आरंभ हो जाता था, यानी कि जैसे ही मानसून आता था तो हल को जो चलाना है वो प्रारंभ कर दिया जाता था। जुताई के बाद फसलों को उगाना, पैदा करना तथा उनकी कटाई प्रमुख कार्य होते थे। सिंचाई के लिए कुएं एवं नदियों का प्रयोग होता था। किसका किसका जी? कुएं एवं नदियों का प्रयोग होता था। खेत में जौ, तिल, गन्ना, कद्दू वर्गीय फसलें आदि विशेष विवरण मिलता है। ठीक है, यानी कि जो वैदिक काल है इसमें हड़प्पा के निवासी धान तथा जौ की खेती करते थे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के निवासी कौन सी खेती करते थे वैदिक काल में? तो धान और जौ की खेती करते थे। महाभारत काल जो कि 400 ईसा पूर्व तथा रामायण का रचना काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है, जिनमें अन्न एवं फल सब्जियों का भी वर्णन है। किसका किसका? फल और सब्जियों और अन्न का। कालांतर में कृषि में लोहे के औजार तथा हलों का प्रयोग होने लगा। किसमें? कालांतर में गेहूं, जौ, धान, सेम, मक्का, बाजरा आदि की खेती होने लगी वैदिक काल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले काल की ओर। और अगला काल है बौद्ध काल, जो कि ईसा 700 वर्ष से पूर्व। इस काल में देश में 16 बड़े राज्य थे, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था गांव के कृषक समुदाय पर आधारित थे। कोई भी जमींदार नहीं था, बल्कि किसानों का राजाओं से सीधा संपर्क रहता था। गांव के आसपास चारागाह तथा फसल उत्पादन के लिए जोत की जमीन रहती थी और खेती ही प्रधान व्यवसाय था। तो पूछा जाएगा, बौद्ध काल में कौन सा व्यवसाय सबसे अधिक प्रचलित और प्रधान व्यवसाय था? तो खेती था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले काल की ओर, इसमें से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। खेती के साथ पशुपालन बढ़ता गया। ठीक है, सभी खेती के कार्य लोहे के बने औजारों से होने लगा। किसमें जी? सेकंड काल में, बौद्ध काल में, ईसा से 700 वर्ष पूर्व में जितने भी औजार थे खेती के, वो सभी लोहे के बने थे। अगला जो काल है वो है मगध शासन काल, जो कि 544 से 493 ईसा पूर्व है। ईसा के जन्म से पूर्व चौथी शताब्दी 544 से 492 ईसा पूर्व में अन्न, फल, सब्जी, फूल एवं व्यापारिक पौधों के बीज तैयार कर खेती की जाती थी। मगध काल में गेहूं, जौ, सरसों, मूंग, धान, गन्ना, तिल, कुसुम तथा सब्जी फल प्रमुख थे। सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। पौधों की बीमारियों, कीटों की रोकथाम हेतु कार्य किए गए। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालन भी होता था। सम्राट अशोक के शासनकाल 274 से 237 ईसा पूर्व में वन यानी कि फॉरेस्ट लगाने की नीति बनी। कब हुई जी? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पे ईसा भी दिया गया है, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो वन लगाने की जो नीति है वो किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में शुरू की गई। केला, आम, कटहल, अंगूर की खेती की जाने लगी इसी काल में, मगध काल में। दूध, मक्खन, पनीर, मछली तथा मांस का उत्पादन खाने में किया जाने लगा इस काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले काल की ओर। और अगला काल है
535 ईसा से 1300 ईसा पूर्व का जो भारत है वो दक्षिण भारत के राज्यों से इलायची, तिल, अफीम, नील का निर्यात एक्सपोर्ट होता था और अन्य फल एवं सब्जी की अच्छी खेती थी। नदियों में बांध लगाकर एवं तालाबों से खेती की जाती थी। ठीक है, किसमें? 535 ईसा से 1300 ईसा का भारत में तालाबों से सिंचाई की जाती थी। पहाड़ी जाति के लोग जंगल या स्थान बदलकर जूम खेती करते थे, यानी कि शिफ्टिंग खेती। एक स्थान को छोड़कर जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी तो नेक्स्ट जगह को चुनते थे खेती करने के लिए, जहाँ उर्वरक अच्छे से हो। ठीक है, और अगला काल है 9वीं से 11वीं शताब्दी का जो भारत है। तो धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करना, रोपाई, निराई, सिंचाई, बीमारी, कीड़ों से फसलों का बचाव, कड़ाई, मड़ाई, ओसाई, बीज चयन का भंडारण आदि का वर्णन इस शताब्दी काल में मिलता है। ठीक है, मतलब कि शुरू हो गया था ये सभी। केला, कटहल, सुपारी, अगन्ना, आम, जामुन की खेती प्रमुख थी इस काल में। वृक्षारोपण एवं वन विकास पर भी इस काल में विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, अगला काल है मुस्लिम काल, जो कि 1761 ईस्वी तक। इसे मध्यकालीन युग भी कहा गया, जिसमें कृषि एवं उद्यान संबंधी, देखिए यहाँ पे उद्यान भी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये अलग हो गया, उद्यान संबंधी कार्य पर विशेष बल दिया गया। वहाँ धान, गेहूँ, मंडुआ, जामुन, नारंगी, महुआ की खेती का उल्लेख हुआ। तगुलक काल में 1351 ईसा से 1388 ईसा से में कृषि कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें जो नहरें हैं वो बनवाई गई, बाग बगीचे लगाए। सन 1498 और 1598 ईसा तक नए पौधे विदेशों से मंगाए गए, यानी कि विदेशों से हमारे इंडिया में मंगाए गए। मक्का, आलू, शकरकंद, टमाटर, मिर्च, पपीता, मूंगफली तथा काजू आदि लाए गए, जबकि 16वीं शताब्दी में मछली पालन का जिक्र है। किसमें है जिक्र? 16वीं शताब्दी में है, तो ये एक मछली पालन से फिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी में जूट व तंबाकू का विस्तार हुआ। ठीक है, 18वीं एवं 19वीं सदी के बारे में जानते हैं इस काल में। तो इस युग में कृषि अनुसंधान तथा कृषि शिक्षा का महत्व प्रायः नगण्य था। ठीक है, नई दुनिया की ढेर सारी फसलें तथा फल फूलों का आगमन विदेशी कंपनियों द्वारा हुआ हमारे इंडिया में। व्यापारियों पर ध्यान व्यावसायिक फसलों के उत्पादन जैसे नील, कपास, जूट, चाय तथा गन्ना की ओर अधिक था। ब्रिटिश काल की बात करें, 8वां काल है ये, इस काल में भी कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन 1885 ईसा में बिहार में कृषि विभाग स्थापित हुआ। सन 1906 में इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा समस्तीपुर में स्थापित किया गया। सन 1905 से 1907 के मध्य पूरे भारत में 6 कृषि महाविद्यालय खोले गए, जिसमें साबोर, बिहार, लायलपुर पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में, कानपुर उत्तर प्रदेश, पूना महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु व नागपुर में जो कृषि महाविद्यालय है ये खोले गए। ठीक है, तो ये था आज का जो टॉपिक है कि विभिन्न कालों में भारत की जो कृषि थी वह कैसी थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा।